हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोडिंग ज्ञान चैनल। आज के इस लेक्चर में हम इफ एल्स की कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जिन्हें मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है ओड इवन नंबर चेकर, यानी हम यूजर से इनपुट लेंगे और चेक करेंगे हमारा नंबर इवन है या ओड है। तो चलिए इसे वीएस कोड पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम एक इंट डेटा टाइप का वेरिएबल लेंगे x और एक मैसेज प्रिंट करेंगे cout enter number और यूजर इनपुट लेंगे। अब हमें क्वेश्चन में केवल दो ही कंडीशन दी है, या तो हमारा इनपुट ओड हो सकता है या हमारा इनपुट इवन हो सकता है। हमारा इनपुट इवन किस केस में होगा? यदि हमारा इनपुट 2 से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर 0 देता हो, उस केस में हमारा इनपुट इवन होगा। तो हम रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? हम मॉड्यूलो ऑपरेटर की हेल्प से रिमाइंडर निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे कंडीशन बनाते हैं, इफ एक्स मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, यानी हमारा इनपुट इवन है। तो हम यहाँ पे सी आउट करवा देंगे इवन, और अगर हमारा इनपुट इवन नहीं है तो हम सिंपली इल्स कंडीशन में इल्स में सी आउट करवा देंगे ओड। हमने यहां पे चेक कर लिया, हमारा अगर इनपुट इवन होता तो हम इस बॉडी के अंदर आ जाते और इफ के अंदर जो भी होता उसे एग्जीक्यूट कर देते। अगर हमारी ये कंडीशन फेल हो जाती है तो हम इल्स पे आएंगे और इल्स की बॉडी के अंदर जो भी होगा वो एग्जीक्यूट होगा। हमारे पास केवल दो ही कंडीशन थी, हमने एक कंडीशन को चेक कर लिया और एक को एल्स में रख दिया। अगर यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कंडीशन होती तो हमें इल्स इफ का यूज करना होता। अगर हम यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन लगाने के लिए एक और कंडीशन को ऐड करें जिसमें हमें यह चेक करना होगा कि क्या हमारा इनपुट नेगेटिव है, तो उस केस में हम इसे आसानी से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि क्या हमारा इनपुट नेगेटिव है। तो हम ये चेक करेंगे x इज लेस देन 0, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम प्रिंट कर देंगे नेगेटिव। अब इसे हम इल्स इफ में रख सकते हैं। अगर इसे हम इफ इल्स ना लिखते हुए इसे इफ में रखें और इसे भी इफ में रखें तो पॉसिबिलिटी है हमारी दोनों कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाए। इसलिए हम केवल एक ही कंडीशन को अगर एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो हम इसे इल्स के साथ रखेंगे। अब अगर हमारी ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाती है तो हम इन दोनों पे नहीं आएंगे, और अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम इन दोनों में से किसी एक को एग्जीक्यूट करवा पाएंगे। ये था हमारा इफ एल्स। इसमें हमें किस कंडीशन को पहले और किस कंडीशन को बाद में लगाना होता है इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। अब बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वोटिंग एलिजिबिलिटी, यानी अगर किसी व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष या 18 से ज्यादा है तो वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है। हम इसके लिए अपना कोड लिखते हैं। यहाँ पे हम एक इंटीजर लेंगे और वेरिएबल एज लेंगे। अब सी आउट करवाएंगे एंटर एज और यूजर इनपुट लेंगे, और अब ये चेक करेंगे कि इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल 18, अगर एज 18 या 18 से ज्यादा है तो वोटर इलिजिबल है। तो हम सी आउट करवा देंगे इलिजिबल, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हम सी आउट करवा सकते हैं नॉट इलिजिबल। ये है हमारा एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए सिंपल सा कोड। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रेड चेकर,
इस क्वेश्चन में हम किसी स्टूडेंट के टोटल नंबर लेंगे और उसके टोटल नंबर के बेस पे हम उसके ग्रेड चेक करेंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने बीएस बोर्ड पे। फ्लोट डेटा टाइप का एक वेरिएबल लेंगे, ये टोटल नंबर हमारे आउट ऑफ 500 में से होंगे ऐसा हम अज्यूम करके चल रहे हैं। यहाँ पे हम सी आउट करवाएंगे, एंटर टोटल और इसे हम सी इन करवाएंगे। उसके बाद हम परसेंटेज निकालेंगे, तो उसके लिए भी हम फ्लोट डेटा टाइप का यूज करेंगे, फ्लोट परसेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर डिवाइड बाय 5.0, ताकि हमारा परसेंट एक्यूरेट रहे। अब हम चेक करेंगे कि परसेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 85 एंड परसेंट इज लेस देन इक्वल टू 100, तो हम सी आउट करवा देंगे। योर ग्रेड इज ए प्लस प्लस, और हम चाहें तो यहाँ पे हमारे परसेंट भी इंटर करवा सकते हैं, सॉरी प्रिंट करवा सकते हैं। इसी टाइप से हम सारी कंडीशन को लिख लेंगे। हमने यहाँ पे सारी कंडीशंस लिख दी है और एंड ऑपरेटर का यूज किया है, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारी ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो और ये वाली कंडीशन भी ट्रू रहे। अगर हमारे नंबर या परसेंट 70 या 70 से ज्यादा और 85 से कम है तो हम चाहते हैं हमारा ग्रेड ए हो। इस टाइप से ये इफ इल्स इफ और इल्स का कॉन्सेप्ट होता है। इसमें हम इल्स इफ कितनी भी बार यूज कर सकते हैं और लास्ट में हम इल्स लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल रहता है। हम इसे एक बार रन करके देखें। यहाँ पे टोटल नंबर लिखते हैं 425, तो योर ग्रेड इज ए प्लस प्लस और परसेंट हमें मिल चुके हैं 85, तो हमारा कोड बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन हमारे पास है लीप ईयर चेकर, यानी हम ईयर का इनपुट लेंगे और हम चेक करेंगे कि हमारा ईयर लीप ईयर है या नहीं। तो चलते हैं वीएस कोड पे। लीप ईयर चेक करने के लिए यहाँ पे हम एक इंटीजर ईयर लेंगे और सी आउट करवाएंगे, एंटर ईयर और यूजर इनपुट लेंगे ईयर मॉड्यूलो 400 इक्वल टू 0, तो सी आउट लीप ईयर। और अगर इफ ईयर मॉड्यूलो 100 इक्वल टू 0, तो सी आउट सॉरी यहाँ पे इल्स इफ कंडीशन लगाएंगे हम। यहाँ पे ये वाली कंडीशन लगाई गई है क्योंकि अगर हमारा कोई सेंटेनरी ईयर है या शताब्दी वर्ष अगर 400 से पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं है तो वो सिंपल ईयर काउंट होता है, इसलिए हमने यहाँ पे ये वाली कंडीशन लगाई है। इसके बाद हम चेक करेंगे इल्स इफ ईयर मॉड्यूलो 4 इक्वल टू 0, तो हम प्रिंट करवा देंगे लीप ईयर। और इल्स में हम प्रिंट करवाएंगे सिंपल ईयर। इस इल्स इफ कंडीशन को 100 से ऊपर रखेंगे तो हमारा जो लीप ईयर निकालने का जो फॉर्मूला है वो गलत हो जाएगा, इसलिए हमें इन्हें अरेंज भी कुछ इस तरीके से करना है कि हमारा कोड प्रॉपरली वर्क करे। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन हमारे पास है कन्वर्ट अपर केस कैरेक्टर इनटू लोअर केस कैरेक्टर। तो आइए हम इसे वीएस कोड पे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ASCII वैल्यूज के बारे में देख लेते हैं। इसमें कैपिटल लेटर्स की ASCII वैल्यू 65 से स्टार्ट होकर 90 तक एंड होती है, और अगर स्मॉल लेटर्स की बात करें तो इनकी ASCII वैल्यूज 97 से स्टार्ट होकर 122 तक एंड होती है। के डेटा टाइप का एक वेरिएबल लेंगे ch, और हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करेंगे एंटर योर कैरेक्टर, और यूजर इनपुट लेंगे ch, और हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें अपर केस कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम यही चेक करते हैं कि हमारे कैरेक्टर अपर केस है भी या नहीं। तो इसके लिए हम चेक करेंगे ch is greater than equal 65 and ch is less than equal 90। अगर हमारे कैरेक्टर की ASCII वैल्यू 65 से ज्यादा या 65 के बराबर या ASCII वैल्यू 90 के बराबर या 90 से कम है तो हमारा वो लेटर अपर केस होगा, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसे हम टाइपकास्टिंग की हेल्प से कन्वर्ट करवा सकते हैं, CAO CH + 32। यहाँ पे अगर हम किसी अपर केस कैरेक्टर की ASCII वैल्यू में 32 को ऐड करेंगे तो वो हमारा लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा है। अब हम अगर एल्स में अगर हमारा कैरेक्टर अपर केस नहीं है तो हम सिंपली CAO करवा सकते हैं इनवैलिड। हम इस कोड को रन करवाते हैं और चेक करते हैं हमारा कोड सही से वर्क कर रहा है या नहीं। हम यहाँ पे इनपुट लगाते हैं s और इसे कन्वर्ट करते हैं, जो कि स्मॉल s में कन्वर्ट हो गया है। हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इफ एल्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।